हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं दिखाने वाली हूं आपको इस ब्राउन ग्लिटरी स्मोकी आई मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी ताकि ये लुक को आप इजीली क्रिएट कर सकें। आई होप ये लुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसे पसंद करेंगे। गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आई हैव प्रेप्ड माय स्किन। मैंने अपने स्किन में क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रूटीन कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे तो अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। और सबसे पहले आज मैं आई मेकअप करूँगी, उसके लिए मैं अपने आईज़ को प्रेप कर रही हूँ। यहाँ मैं यूज़ करूँगी मैक का पेंट पॉट इन द शेड सॉफ्ट ओकर, और इसे मैं लूज पाउडर से डस्ट कर लूँगी। अपने आई मेकअप के लिए आज मैं मॉर्फी का 35O पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। मुझे इस पैलेट में ब्राउन्स बहुत ही पसंद हैं। सबसे पहले मैं ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी और मैं इसे एक पेंसिल ब्रश पर ले रही हूँ। ये मॉर्फी का ब्रश है। आई नो यूजुअली मैं लाइटेस्ट कलर से ही स्टार्ट करती हूँ, ट्रांजिशन कलर पहले अप्लाई करती हूँ, बट आज मैं एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। एंड यू कैन सी कि मैं क्रीज लाइन से ऊपर इस कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क्स बनाए हैं और उसके बाद मैं इसे जॉइन करके ब्लेंड कर रही हूँ। और अब सेम कलर से मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में भी ब्लेंड कर रही हूँ। यू कैन सी कि मैं अपनी आईज़ की शेप को और एनहेंस कर रही हूँ, बेसिकली एक आउटर लाइन क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड करने के लिए मैं इन दोनों कलर्स को लूँगी। इसे मैंने एक बहुत ही छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है, ये बहुत ही प्रिसाइजली ब्लेंड करता है। इन दोनों कलर से मैं इस डार्क कलर को ब्लेंड करूँगी। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स यूज़ करूँगी क्योंकि डार्क कलर को ब्लेंड करने में टाइम लगता है और मैसी होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसलिए छोटे ब्रश के साथ छोटे छोटे स्ट्रोक्स में धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। इट्स टोटली ओके अगर ये कलर्स आपके लिड एरिया पर चले जाएं, क्योंकि बाद में आफ्टरऑल हमें कट क्रीज ही करना है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि डार्क कलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है और कोई भी हार्श लाइंस नहीं दिख रही हैं। नेक्स्ट मैं एक अलग पेंसिल ब्रश पर ब्लैक मैट आई शेडो ले रही हूँ और उससे अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा और स्मोक आउट कर रही हूँ। यू कैन सी कि मैंने इसके नीचे ब्राउन कलर का बेस दिया था, इसलिए ब्लैक जो है बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है और एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है ब्लैक टू ब्राउन। इस कलर की इंटेंसिटी को मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ। पहले मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है और मैं एक बार फिर से सारे कलर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप हमेशा अपने पास एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश बिल्कुल हैंडी रखें। जब भी आप कोई कलर अप्लाई करें तो उसे फर्स्ट कलर के साथ ज़रूर अच्छे से ब्लेंड करें, तभी कोई आई लुक जो है बिल्कुल शार्प दिखती है और फ्लॉलेस दिखती है। अब मैं अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ, आज मैं हाफ़ कट क्रीज ही करूँगी। कट क्रीज करने के बाद मुझे लगा कि डार्क कलर की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, तो मैं पेंसिल ब्रश के टिप पर वही सेम कलर लेकर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रही हूँ। और अब मैं पैलेट में से ये शिमरी गोल्डन कलर ले रही हूँ और इसे एक पैटिंग ब्रश पर लगाकर मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स पर इसे लगाऊंगी, क्योंकि कंसीलर अभी वेट है तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी आएगी। अब मैं अपना मॉर्फी का 35F पैलेट यूज़ करूंगी और उसमें से ये ब्राउन शिमरी कलर ले रही हूँ। इसे मैं अपने लिड के सेंटर पार्ट पर लगाऊंगी, बट क्योंकि शिमरी कलर्स फिंगर से बहुत ही अच्छे से अप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने बाद में ब्रश से स्विच करके फिंगर से इसे अप्लाई किया और उसके बाद बहुत ही अच्छा पिगमेंट है। और अब मैं इन दोनों कलर्स के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पैक का ग्लिटर ग्लू।
और इसे मैं अपने पूरे लिड पर अप्लाई नहीं करूँगी, अपने आईज़ के इनर कॉर्नर से लेके अपने सेंटर लिड के अपर पोर्शन पर मैं लगाऊँगी। आप देख सकते हैं, मुझे शायद समझाने में उतना क्लियर नहीं लगे। तो अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉरएवर 52 का लूज़ ग्लिटर। इस ग्लिटर से मैं अपने पूरे लिड को कवर नहीं करूँगी। यू कैन सी कि मैं किस तरह से इस ग्लिटर को अपने इनर कॉर्नर से अपने लिड के अपर पोर्शन तक ले जा रही हूँ। ये ग्लिटर्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल फाइनली मिल्ड हैं, बट इसे स्टिक करने के लिए डेफिनेटली आपको एक ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। इसे मैंने अपने हॉल वीडियो में भी दिखाया था। इसके बाद मैं विंग लाइनर क्रिएट करूँगी एंड देन मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स को एक बार फिर से इंटेंसीफाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग में कई बार कलर की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैं पेंसिल ब्रश पर ब्लैक आई शेडो को लेकर धीरे धीरे उसे ब्लेंड कर रही हूँ और उसे लिड के ब्राउन कलर के साथ भी ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अपर लिड इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। अब मैं फटाफट से अपनी सेकेंड आई भी कम्प्लीट कर लूँगी और उसके बाद आपको अपना बेस मेकअप भी दिखाऊँगी। सो फॉर माई बेस आई एम यूजिंग स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो डेफिनेटली इसे आप ट्राई कर सकते हैं। And for my concealer, I'm using LA Girl Pro Conceal in the shade Creamy Beige. अगर आप मेरे ट्यूटोरियल बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। बहुत ही अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी कवरेज है और प्लस पॉइंट ये है कि ड्राई स्किन के लिए ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं अपने ब्यूटी स्पॉन्ज का ही यूज़ करूँगी। ये ब्लू हेवन का ब्यूटी स्पॉन्ज है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सोक कर लेता है। फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग पैक HD लिक्विड फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मीडियम टू फुल कवरेज है और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ड्यूई फिनिश देता है। इसका शेड थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से, मैं डेफिनेटली इसका दूसरा शेड ज़रूर परचेज करूँगी। और इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं फाउंडेशन ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्यूटी स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए आज मैं नायका का कंसील एंड करेक्ट पैलेट यूज़ करूँगी और इस कलर से मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी। क्रीम कॉन्टूर पाउडर कॉन्टूर से ज़्यादा नेचुरल दिखता है और हार्श भी नहीं लगता है। अपनी जॉ लाइन और फोरहेड को भी मैं कॉन्टूर करूँगी। अब इसे ब्लेंड करने के लिए आप चाहें तो ब्यूटी स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे ब्रश से ब्लेंड करना इसे ज़्यादा ईजी लगता है और बहुत ही जल्दी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये मॉर्फी का ब्रश है एंड यू कैन सी कि बहुत ही जल्दी और स्मूथली ब्लेंड हो गया और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। नोज़ कॉन्टूर को मैं फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ ताकि ये प्रिसाइजली ब्लेंड हो। टू सेट माई फेस आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 15 लाइट। बट तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने फेस को हाईलाइट नहीं किया है, स्पेशली अंडर आई एरिया को, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा स्मोकी आइज़ करते हैं तो अंडर आई एरिया काफ़ी डल दिखने लगता है। इसलिए अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी कि इंस्टेंटली ये मेरे अंडर आई एरिया को एकदम हाईलाइट कर देगा और मेरा आई शेडो और अच्छे से पॉप होगा।
और अब मैं अपने पूरे फेस को पाउडर से सेट कर लूँगी। अपने कॉन्टूर को सेट करने के लिए मैं लॉरियल ब्रॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा कूल टोन ब्रॉन्जर लगता है मुझे, इसलिए ये कॉन्टूर की तरह भी यूज़ हो जाता है। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है और काफ़ी ब्लेंडेबल भी है। फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग मेबलिन ब्लश पैलेट और उसमें से मैं ये लाइट पीच कलर ले रही हूँ, क्योंकि आईज़ बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकी मैंने की हैं, इसलिए मैं ब्लश को थोड़ा लाइट ही रखूँगी। मैं लोअर लैश लाइन के पास काजल पेंसिल लगा रही हूँ एंड यू कैन सी कि मैं किस तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने वाटर लाइन पर इसे अप्लाई नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि मेरी आईज़ काफ़ी स्मॉल हैं, अगर मैं वाटर लाइन पर काजल लगाती हूँ तो इतनी स्मोकी आईज़ में आईज़ और छोटी लगेंगी। अब मैं फर्स्ट डार्क ब्राउन कलर से इस काजल को ब्लेंड कर लूँगी। मैं अपनी वाटर लाइन पर ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये पीच अंडरटोन का कंसीलर है। बिकॉज मेरी पीच आई पेंसिल नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। ये हैक आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं कीको मिलानो लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ और फिल भी कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टार्ट का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड बर्थडे सूट, और आजकल ये मेरा फेवरेट न्यूड लिप है। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं पैक का बेक्ड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 05। अगर आपके फेस पर टेक्सचर है तो डेफिनेटली इस हाईलाइटर को ट्राई कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा है। अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं 35F पैलेट यूज़ करूँगी। इस पैलेट के शिमरी कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, मुझे इनर कॉर्नर्स पर और ब्राउ बोन पर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लॉरियल का ग्लॉस लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि आईज के साथ ग्लॉसी लिप्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अपने फेस को सेट करने के लिए पैक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई एरिया को और हाईलाइट करने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का पैलेट यूज़ किया है। ये पाउडर बहुत ही अच्छे से मिल्ड है और काफ़ी अच्छी हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है। एंड गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।